अस्सलाम वालेकुम। आज हम अर्थमेटिक शॉर्ट हैंड पे बात करेंगे या अर्थमेटिक ऑपरेशंस के शॉर्टकट्स पे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे लेक्चर दिया था और उसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किए थे। ठीक है, इसमें मैं आप उनका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक शॉर्ट हैंड आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उसको शॉर्टकट वे में आप कैसे कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। ठीक है, अब आपके सामने एक मैंने माई वेयर के नाम से एक मैंने वेरिएबल लिया है। ठीक है, माई वेयर के नाम से, और उसको मैंने क्या लिख दिया, टू। ठीक है, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दिया टू, और सिंपली मैंने उसको यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको सिंपली प्रिंट करवाया है। अभी और मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने सारा बाकी कोड कमेंट किया हुआ है। ठीक है, मैं उसको आराम स्टेप बाय स्टेप मैं उसको अनकमेंट करूंगा। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू जो है टू है, जो वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पे जस्ट आप राइट साइड पे ब्राउजर पे देख रहे हैं, जहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यू उसके प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसको शॉर्टकट वे में अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने सिर्फ करवा दी वैल्यू प्रिंट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो एडिशन का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, ये देखें, एडिशन को मैंने क्या किया, इसमें सिंपली मैंने प्लस और इक्वल का साइन यूज किया। ठीक है, कि प्लस करके और इसमें जो आपके पास न्यू वैल्यू है 5, ठीक है, कि ये इसको असाइन हो जाए। ठीक है, ये हम आगे चल के हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में भी ये आपके पास इक्वल का साइन यूज होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो 5 है, ठीक है, वो आपके पास 2 में प्लस हो रहा है। ठीक है, माई वेयर को मैंने क्या किया, प्लस और साथ इक्वल लगा के 5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, जो कि उससे पहले ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 2, 5 एंड प्लस 2, 7। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं, शॉर्टकट है आपके पास। अब आगे आके, ठीक है, यहाँ पे आप आखिर मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू मैंने उसकी प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब जो माई वेयर की जो आप न्यू वैल्यू आएगी, ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा प्रिंट करवाया आफ्टर दिस। अब इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्शन को अलाउ करता हूँ, ठीक है, अब 7 को मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास वैल्यू आई है यहाँ पे, 7 में से मैं 5 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने माइनस लगा दिया, साथ इक्वल का साइन यूज कर दिया और 5 लगा दिया यहाँ पे, 7 में से 5 माइनस हो गया। ठीक है, तो 7 में से 5 माइनस हो जाएंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, बड़ा सिंपली जब मैं उसको 2 आएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक हो गया, अब 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अब जी अब यहाँ तक हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब 2 को मैं फर्दर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 के साथ। ठीक है, इसके ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे ये देखें, ये जो मैंने ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे मैं डिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, डिवीजन कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, जो कि ऊपर मेरे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, और मेरे पास अभी तक आंसर क्या आ चुका है, 2। ठीक है, अब 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो सिंपली आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास सिंपली आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, 1, तो जी देखें यहाँ पे सिंपली आपके पास 1 आ गया। सो ये क्या हुआ, ये अब हम शॉर्ट हैंड के थ्रू हम जो काम कर रहे हैं सारा के सारा। ठीक है, अब ये अब हमारे पास 1 आ गया है। ठीक है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अब 1 है। अब 1 को मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ। ठीक है, ये देखें, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसके आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 1 ऊपर आ चुका था हमारे पास। सिंपली अब 1 को हमने क्या किया, 1 को यहाँ पे हमने आके 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 3। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, ये सब आपके पास ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप कोई चेंज कर देंगे, सपोज यहाँ पे 5 कर दें ऊपर, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये सब वैल्यूज जो हैं वो उस हिसाब से आपके पास चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 50 कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने 50 किया, ठीक है, सपोज तो उसने प्लस कर दिया 5, 55 कर दिया। ठीक है, 55 को उसने फिर वहां से माइनस किया और फिर उसने 50 कर दिया, माइनस किया, फिर 50 को उसने
ये 50 को उसने जब 2 से डिवाइड किया, जब 2 से डिवाइड किया है तो फिर आपके पास आंसर क्या आया है, आपके पास आंसर आ गया 25, 50 डिवाइड बाय 2, ठीक है सिंपली। तो 25 को, 25 को उसने यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब जब उसने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है और वैल्यू प्रिंट किया है तो उसका आंसर क्या आ गया, 75, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसको 3 कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 53 आ जाएगा आपके पास, ये देखें। अच्छा मजे की बात, अब ये देखें यहाँ पे जब आपके पास होगा ना, तो ये न्यू वैल्यू आपके पास, मैं इसको दोबारा भी कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हम पहले आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पहले वैल्यूज ये थी 55, 50, 25, 70, ठीक है। अब जबकि मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे जब चेंज करूंगा तो ये सारी नीचे की वैल्यूज भी चेंज होंगी, ये बात भी आपने समझनी है, ठीक है। वो क्यों, क्यों वो आपके पास उस, जो आपके पास ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू आ रही है वो वहां पे कंसिडर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ सपोज, ठीक है, सो इसने जो बाकी की, अब देखिए यहाँ पे इसने 2 किया तो 50 में, 50 को इसने 2 में कर दिया, प्लस कर दिया, 52 कर दिया इसने, यहाँ पे 52 कर दिया है, ठीक है। फिर 52 उसमें इससे इसने 5 को माइनस किया है, 47, फिर 47 को इसने 2 से डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 23.5, फिर 23.5 को इसने फिर मल्टीप्लाई कर दिया है 3 के साथ। सो अब ऊपर चेंज करने से आपके पास, जो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपके पास न्यू वैल्यू आएगी, ठीक है जी, उसको फिर बाकी ऑपरेशन उसी के हिसाब से परफॉर्म होंगे, ठीक है। इसी तरह अब अगर चलें इसको सिंपली मैं अभी कर देता हूँ, इसको मैं सिंपली 5 कर देता हूँ, और चलें ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 3, यहाँ तक हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 3 अब आ चुका है, 3 को अब मैं दोबारा इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 4 आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा, उसमें एक प्लस हो जाएगा, जो वेर की वेरिएबल थी, ठीक है, 3 था, 3 को मैंने फिर माई वेर को मैंने प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे, तो सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, ठीक है। और अब इसको मैं अगर दोबारा कर दूँ, ठीक है, प्लस अब मैं स्टार्ट पे लगा दिया, पोस्ट फिक्स, यहाँ पे पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स की हमने बात की थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर बात करूँगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है, तो आपने वो देखनी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे, इन दोनों पे, ठीक है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा इसके लास्ट पे। अब अगर यहाँ पे मैं दोबारा इसको मैं प्लस कर रहा हूँ तो दोबारा आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे दोबारा आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 3 किया, 3 के बाद क्या था, यहाँ पे 1 था, मैंने एक इंक्रीमेंट लगाया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, और 4 के बाद जब मैंने इसको दोबारा प्लस किया है, ठीक है, दोबारा एक इसको मैंने फिर मैंने इंक्रीमेंट लगाया दोबारा, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आपके पास आ गई 5, ठीक है। तो सिंपली ये मकसद आपको क्या था, कि एक शॉर्ट हैंड वे में एक आपके पास न्यू वे बताना कि आप इस तरह से भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे, और वहां पे भी इक्वल का साइन यूज होगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।